निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके सामने खड़े हैं, तो आपने हमारे यूट्यूब को बहुत देखा, इसके लिए आपका आभार है हमको। और हम आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं, तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आज जो है हम विषय, एक अलग विषय पे बात करने वाले है कि अश्वगंधा जो है उसका पाउडर कैसे बनता है, क्योंकि कई तरीके अश्वगंधा के बेनिफिट के वीडियोस है, कई वीडियो है, लेकिन कोई अश्वगंधा के पाउडर निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म में कैसे बनता है वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। हम जो पहले जो है अश्वगंधा को बोते हैं, वो बोने का वीडियो भी आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देता है। हम उसको बोते हैं, बोने के बाद जो है वो बड़ी होती है, एक बार बीच में उसकी कटाई होती है। अश्वगंधा की कटाई करने के बाद जो है वो फिर से वो उग जाती है, तो बाद में जब 3 महीने के बाद जो है वो हम इसको मूल के सहित जो है उखाड़ लेते हैं, तो मूल के सहित उखाड़ने के बाद उसकी डालियां जो होती है, तो वो डालियों को कट कर देते हैं। इसे ऐसे कट करने के बाद जो है उसका मूल बचता है, तो ये मूल का जो है वो पाउडर जो है उसका ही बेनिफिट अच्छा है। तो हमेशा मूल का पाउडर, जो अश्वगंधा का पाउडर जो है, मूल का पाउडर आता है वही अच्छा है और वही लेना चाहिए। तो उसको मूल को निकालते हैं, और मूल को निकालने के बाद सुखाते हैं। अश्वगंधा की मूल की जो है वो डाली को अलग करते हैं, और मूल का पाउडर जो है अच्छा है। और अभी मूल को जो है वो हम कूट के बनाते हैं, आपको मशीन दिखाई रहेगा कैसे हम कूटते हैं इसको, तो उसको हम कूटते हैं। कूटने के बाद जो है वो पाउडर तैयार होता है, वो हम जो है वो हमारे बैग में जो है तैयार करते। देखो ये अश्वगंधा का जो है वो बेनिफिट वाला पाउडर है, नेचुरल पाउडर है, आप देख सकते हैं। तो अश्वगंधा का पाउडर जो है वो हमारे खेत में डालने से कैसे हम उसका पैकिंग करते हैं वो सब हमने आपको दिखाया, ऐसा पैकिंग करते हैं। तो आप निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म का जो है वो कूटा हुआ उस अश्वगंधा का पाउडर जो है वो बहुत बेनिफिट देता है, आप उसे यूज करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो है वो आपको आगे वीडियो में जो है वो बेनिफिट, अश्वगंधा का बेनिफिट क्या है, और उसके आगे दूसरे वीडियो में अश्वगंधा का पाउडर यूज कैसे करते हैं, नए नए क्या तरीके हैं, कैसे यूज करते हैं, तो हम आपको बताएंगे। नमस्कार।